नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज मेरे साथ है उमंग गुप्ता, जिन्होंने आईआईटी जेम एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 84 के साथ क्लियर किया है। और आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने एग्जाम की तैयारी करी और क्या स्ट्रगल फेस किए और क्या इनकी इंस्पिरेशन रही, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो उमंग, वेलकम टू एड टॉक्स। और सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगा कि अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं गुरुकुल का स्टूडेंट हूँ। बीएससी मैंने गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय से करी है और मेरा ट्वेल्थ मैंने बिजनौर से ही करा है, बिजनौर में प्रकाश पब्लिक स्कूल से। ट्वेल्थ में मेरा 97 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में और फिजिक्स केमिस्ट्री में 95-95। एंड बीएससी में मैं गुरुकुल में मैं गुरुकुल का टॉपर भी रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में जब था 99 मार्क्स थे मैथ्स में। Good. तो उस टाइम पे मेरा ये था कि मुझे लगन थी कि मुझे मैथ से ही कुछ करना है, मुझे एमएससी मैथ से करनी है जी। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि आपको आईआईटी जेम देना चाहिए, आईआईटी जेम में अच्छा स्कोप मिलता है, आपको एमएससी आईआईटी से देने का मौका मिलता है जी। तो मैंने इसलिए आईआईटी का चॉइस करा है। तो जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आपको क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा, कुछ लाइक आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना, जब हम तैयारी करते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको तैयारी करते दौरान? जी सर, जिस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे फर्स्ट ईयर में मुझे आईआईटी जेम के इतना बारे में नहीं पता था और ना ही मेरा कोई सीनियर, क्योंकि हमारा गुरुकुल में कोई ऐसा सीनियर नहीं था जो हमारा इसमें आईआईटी जेम में दिया हो किसी ने मैथमेटिक्स में जी। तो उसमें मेरा काफी फेस हुआ कि मुझे कोई ना सीनियर था ना ही मेरे पास कोई गाइडेंस थी। इवन मुझे आपका मैं वीडियो लेक्चर देखता था यूट्यूब पर तो मुझे आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था उस वक्त, ना ही कोई कॉन्टेक्ट था। तो फिर मैंने आपका एक बार मैं लेक्चर देख रहा था, सडनली आपका आपने उसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखा था जी। तो मैंने आपको वहां से कॉन्टेक्ट करा तो मैंने आपका व्हाट्सअप ग्रुप में गया। फिर मैंने जब देखा कि आईआईटी जैम के स्टूडेंट के कितनी वैल्यू है, मतलब कितना बच्चा है मतलब आईआईटी जैम का जो तैयारी कर रहा है जी, और फिर मुझे उस वक्त मेरे पास ना ही कोई बुक थी ना मुझे पता था कैसी बुक कहाँ से तैयारी करते हैं कैसे करते हैं। फिर उसके दौरान मुझे पता चला कि आप अनअकैडमी भी पढ़ाते हो गलते सीएसआर नेट के लिए, आप आईआईटी जेम के उस वक्त नहीं पढ़ाते थे तो मैंने सोचा कि अनअकैडमी अच्छा भी प्लेटफॉर्म है और काफी बच्चे उसमें अनअकैडमी में आ रहे थे। तो मैंने सेकंड ईयर में फरवरी 2021 में मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। आपका फिर कोर्स आया था सडनली कि गजन प्रोफेसर का नया कोर्स आ रहा है, स्टूडेंट ने बोला फंडामेंटल मैथ नाम से आपका पहला कोर्स था, फाउंडेशन कोर्स, फिर आपने ऑर्डिनरी फंडामेंटल उसके थ्रू मैंने गलते पढ़ा शुरू करा आपके थ्रू। फिर मैंने फिर तैयारी आपके साथ शुरू कर दी मेरी और कुछ नहीं हुआ सब। मैं आपसे थोड़ा सा एक पूछना चाहूंगा कि जैसे आईआईटी जेम एग्जाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स और आपके घर वालों को भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो यार होता क्या है कि जब हम अपना करियर किसी फील्ड में बना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करना होता है कि यार इस फील्ड में अच्छा है और मैं कर सकता हूँ, तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा और क्या इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? यस सर, सर मेरे फैमिली में से मेरे बड़ा भाई है, आपको मैंने बताया भी था कि मेरा बड़ा भाई है आईआईटीयन है उनका, उन्होंने बीटेक करा था तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया था कि आईआईटी जेम देना चाहिए तो मैंने जब देना लगा तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आया कि मुझे फादर को समझाने में प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि फादर को समझाना थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए टिपिकल पड़ता है कि कैसे समझाया जाए कि फादर को कि आईआईटी जेम के बारे में, और मेन बात है बॉयज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैरियर के लिए क्या सोचना चाहिए कि आगे हम क्या कर रहे हैं। फादर को तो जब मैंने बताया कि एमएससी कर सकता हूँ मैं वहां से भी आईआईटी से, तो पापा ने पूछा कि कैसे क्या बेनिफिट होगा, मतलब कि आगे क्या फ्यूचर होगा उससे, कुछ मतलब कि जॉब में बेनिफिट होगा या प्लेसमेंट में कुछ। तो मैंने बताया कि आप उसमें काफी रिसर्च लाइंस में जा सकते हो, आप उसमें ये है साइंटिफिक लाइन भी काफी आईआईटी से खुलता है, और प्लेसमेंट अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहो तो आप आईआईटी का प्लेसमेंट तो सभी को पता है कि बहुत बेनिफिट होता है और कहते काफी वैल्यूएबल भी है। आईआईटी का ब्रांड, आईआईटी एक प्रकार से ब्रांड ही है जिसका नाम ही काफी होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो बस ये थोड़ा सा फादर को समझाने में टाइम लगा था बट बाकी सबका क्लियरली समझ गए थे फिर। दूसरा एक और चीज बहुत बड़ी, मैं जब अनअकैडमी पढ़ाता हूँ तो वहां पे मुझे स्टूडेंट्स का रहता है कि तैयारी के दौरान बच्चे काफी सारे डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो यार कैसे आपने इसको ओवरकम किया, ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? क्या सर, फैमिली में देखो कभी कभी डिप्रेशन आने का दो रीजन होते हैं, कभी फैमिली के साइड से हो जाता है, कभी अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसकी फेस में होता है स्टूडेंट्स को। इस फैमिली के साइड से मेरा ये होता है कि मेरी मॉम का ऑपरेशन हुआ था, हार्ट ऑपरेशन, तो उस दौरान मेरा थोड़ा डिमोटिवेट हुआ था कि मैं कैसे तैयारी करूंगा मैं, क्योंकि उस वक्त घर का काम भी बहुत हो जाता था और पढ़ाई का भी, तो इसलिए मैंने उस वक्त ये था कि मैं
कंटिन्यू रखा, मैंने ये नहीं कि मैंने सोचा कि ब्रेक लो, मैंने ब्रेक नहीं लिया, मैंने कंटिन्यू रखा, पढ़ाई करते रहा, जारी रखता रहा मैं। और धीरे धीरे भले चाहे मैं वो स्पीड नहीं रही मेरी, वो फ्रिक्वेंसी नहीं रही, बट मैं धीरे धीरे करता रहा। बट ये है कि आपके लेक्चर्स देखते रहा मैंने, कि लेक्चर्स देखने नहीं छोड़े, क्योंकि जिससे कि अगर एक बार मैं एक लेक्चर हमारे छूट जाते हैं, अगर हम लेक्चर देखते देखते रुक जाते हैं, तो उससे जी ये होता है कि हम पीछे हो जाएंगे। अगर आपका यदि एक कोर्स आगे निकल गया तो हम बहुत पीछे निकल जाएंगे, उससे ये है कि हम समझ नहीं पाते हैं क्या करें। तो इसलिए मैंने आपके लेक्चर देखता रहा, बाद में नोट्स बनाता रहा, असाइनमेंट वगैरह ये करता रहा। उससे ये है कि बस उस वक्त उस टाइम पे ये होना चाहिए कि आपको छोड़ना नहीं है पढ़ाई को, मतलब ये है। अच्छा उमंग, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूँ, और मेरा पढ़ाने का अपना एक तरीका है कि लाइक मेरी टीचिंग पेडागोजी है कि मैं कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, साथ में क्वेश्चंस कराता हूँ, एंड चलता रहता है इसी तरह से मेरा फ्लो रहता है कि मेरी क्लास के अंदर 45 मिनट में कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करता हूँ, 45 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। तो यस सर, लाइक जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसके अंदर आपका क्या, लाइक व्हाट इज योर फीडबैक कि सर हाँ ठीक है, इससे कितनी हेल्प आपको मिली, और लाइक व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? यस सर। सर उसमें ये होता है कि थ्योरी का, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें थ्योरी समझ में आनी चाहिए जी स्टूडेंट्स को, अगर कोई भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले कि उस कॉन्सेप्ट के, मतलब उस क्वेश्चन से पहले आपको उस टॉपिक का जितना भी थ्योरी है, जितना उसका डिटेल्स है, सबको आपको पहले उसका कंप्लीट होने चाहिए कि आपको कि जी ये कि व्हाट इज, मतलब कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, या मेथड क्या है, टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। और फिर आपकी क्लासेस पे एक बेनिफिट ये रहता था कि आप 3 मिनट देते थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक जी प्रकार से हमें डिप्रेशन होता है एग्जाम टाइम में, पैनिक रहते हैं स्टूडेंट्स कि हम कैसे सॉल्व करेंगे 3 मिनट में क्वेश्चन, जी तो जिसका नहीं होता तो आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हो। तो उससे जी ये होता है कि अगर हमसे जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसका हमें सॉल्व आंसर मिल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। जी दूसरी बात यह है कि हमें 3 मिनट में ये है, हमें डिप्रेशन लेवल हमारा कि एग्जाम में उसको हम कंट्रोल करने की पावर मिल रही है हमें। जी उमंग, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि बुक को लेके काफी सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि लाइक मतलब ये वाली बुक भी जी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए, और ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, तो क्या लाइक क्या तुम्हारी एडवाइस है कि बुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे पहले बुक का सर्च करा कि मैंने बुक्स कौन सी लूँ मैं आईआईटी के जी लिए। मैंने जी गूगल पर सर्च करा कि आईआईटी जैम मैथमेटिक्स बुक्स, तो उसमें सर गूगल पर कोई बुक्स नहीं दिखाया, सिर्फ जी पीवाईक्यू दिखाया है उसमें। मतलब कि जी उसमें अगर हम बुक्स देखना चाहें तो सिर्फ कोचिंग का ही बुक आ रहा था। अगर हम देखा जाए कि कोचिंग का अगर हम बुक लें तो बहुत कॉस्टली कोचिंग्स की बुक होती है, 70,000 या 15,000, बहुत कॉस्टली कोचिंग है मतलब हमारे चलते आईआईटी जैम में भी। तो उसमें आपका फिर एक बुक आया था आपका आईआईटी जैम के मैथ्स के लिए, वो बुक मैंने पढ़ा था, तो बहुत हेल्पफुल बुक है आपका उसमें। मतलब कि उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा दे रखा है और सॉल्व क्वेश्चंस हैं, उसमें पैटर्न अच्छा है। मतलब कि पहले आपका थ्योरी है, फिर सॉल्व क्वेश्चन है, फिर असाइनमेंट्स, मतलब असाइनमेंट के लिए मतलब कि अनसॉल्व क्वेश्चन इस टाइप का है। तो उससे ये है बच्चों को पहले तो सॉल्व क्वेश्चन करना चाहिए। सॉल्व क्वेश्चन से ये है कि हमें पता चलता है कि मेथड क्या है क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा मैं एक और आपसे पूछना चाहूंगा क्वेश्चन कि जैसे आप आईडी जिम की तैयारी कर रहे थे, राइट, आपका रिजल्ट आया तो जी आपके सर, पेरेंट्स और टीचर का क्या रिएक्शन था, लाइक व्हाट देयर मतलब रिएक्शन की, हाँ जी ये मतलब क्या कहना चाहेंगे सर, उसको? पेरेंट्स का सर मैंने जब अपने फैमिली को बताया, मदर को बताया, ब्रदर को बताया, ब्रदर ने बोला था कि वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा उसको सुनकर भी। पापा का ये था कि एक्सपेक्टेशन, जैसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन की, वो पेरेंट्स की और फैमिली की हमसे और हमारी खुद से कभी खत्म नहीं होती। जी पापा बोलते हैं कि 84 रैंक आया, कहते कि काश थोड़ी और मेहनत कर लेता तो तेरी ऑल इंडिया रैंक अच्छी आती, आईआईटी बॉम्बे में मिल जाता। अच्छा लगा उमंग, और मैं आपको वंस अगेन फिर से बधाई देना चाहूंगा, और आप जीवन में इससे भी थैंक यू और सो मच सर। अच्छी और बड़ी उपलब्धि प्राप्त करें, और आप फिर मेरे पास यस आए सर, कि सर मैंने ये किया, और मैं फिर आपका एड टॉक पर इंटरव्यू लूं। ऑफ कोर्स सो गॉड ब्लेस यू उमंग, और मुझे लगता है कि आईआईटी दिल्ली जाने के बाद आप कुछ और अच्छा बड़ा काम करें, इसी कामना के साथ मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऐसे ही काम करते रहिए।